नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं पांच अप्रैल 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज सोमवार है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो प्रातः काल सात बज करके पांच मिनट तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है पूर्वा साढ़ा नक्षत्र है प्रातः छह बज करके एक मिनट तक और इसके पश्चात पूरे दिन उत्तरा साढ़ा नक्षत्र है शिव योग करण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज धनु राशि में प्रातःकाल आठ बज करके तीन मिनट तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के छत्तीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के छब्बीस मिनट तक का होगा वही राहु काल प्रातः साढ़े सात बजे से नौ बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकोति प्रिय है काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज शीतलाष्टमी है कई जगहों पर शीतलाष्टमी कल भी मना लिया गया है लेकिन काशी पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी आज है वैसे तो आम समय में रात्रि का बचा भोजन यानी बासी भोजन नहीं करना चाहिए निशुद्ध है लेकिन आज विशेष रूप से शीतलाष्टमी को मां का प्रसाद जो रात्रि का बना हुआ होता है जो कि बासी ही होता है उसी प्रसाद को खाने का यानी बासी अन्न को खाने का ही विशेष महत्व है शीतल प्रसाद आज मैं आपके लग्न से संबंधित एक योग बताने वाला हूं इस योग के जन्म कुंडली में होने से जातक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान उन्नति करता है इस योग की चर्चा आगे होगी दिव्य महाप्रयोग में दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है चंद्रमा राशि में है प्रातः काल ही ये राशि परिवर्तन कर लेंगे और चले जाएंगे मकर राशि में पूरे दिन मकर राशि में रहेंगे जहां की गुरु और शनि पहले से युति बना करके बैठे हैं चंद्रमा भी आज मकर में ही चले जाएंगे तो वहीं शुक्र सूर्य और बुध ये तीन ग्रह मीन राशि में संचरण कर रहे हैं तो गोचर कुंडली में आज देखा जाए तो प्रातः काल बस थोड़ी देर के लिए चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में तत्पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे बाकी की गृहस्तुतियां यथावत हैं हां ये जरूर है कि चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन के साथ ही वो शनि और गुरु के संबंध में आएंगे हालांकि गुरु से तो उनकी दूरी बहुत ज्यादा रहने वाली है क्योंकि गुरु बहुत आखिरी चरण में आ गए हैं छह तारीख को इनको राशि परिवर्तन करना है परंतु हां शनि को शनि के आसपास दस अंश की दूरी तक ये शाम होते होते पहुंच जाएंगे तो शनि के साथ संबंध बनाने से योग का निर्माण हो जाएगा तो ये है बाकी की ग्रहस्तुतियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रहस्तुति और इन्हीं ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दू यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रत्येक लग्न के साथ एक योग का निर्माण होता है और वो कैसे होता है आज मैं लग्न से संबंधित एक योग आपको बताने वाला हूं ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्न में शुभ ग्रह बैठे हो लग्न में शुभ ग्रह बैठे हो और लग्नेश बलवान होकर के स्वराशि का मूल त्रिकोण या उच्च राशि का होकर के अच्छे जगहों पर बैठा हो अर्थात तीसरे छठवें आठवें बारहवें में न बैठा हो फिर से नोट करिए सूत्र को कि लग्न में शुभ ग्रह हो या लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और लग्नपति किसी अच्छे भाव में बलि होकर के बैठे हो उच्च का स्वराशि का मूल त्रिकोणी परंतु अच्छे भाव यानी तीसरे छठवे आठवें बारहवें तो यहां तीसरे को साथ में रख सकते हैं तीसरे में रहिए रहेगा छठवे आठवें बारहवें में न हो तीन भावों में न हो तो इस तरह का जातक अपने जीवन काल में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बेहद अपने जीवन काल में उन्नति करता है राजाओं के समान जीवन व्यतीत करता है इस योग को चामर योग कहते हैं अब इसी सिद्धांत के आधार पर हर भाव के साथ एक एक राजयोग बनता है परंतु आज हम लग्न की चर्चा कर रहे हैं इस योग को जरा एक बार समझ लीजिए क्योंकि इसके साथ कई सारे प्रश्न खड़े होंगे उदाहरणार्थ अगर मकर लग्न का कोई जातक है और उसकी कुंडली में लग्नपति लग्न में ही बैठे हों तो क्या उसके साथ यह योग घटित नहीं हो सकता हो सकता है अगर आप मकर लग्न के हैं तो शनिदेव शुभ ग्रह नहीं है पापक ग्रह हैं परंतु लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और लग्नपति अगर लग्न में ही बैठे हैं तो पहले से ही वो सच महापुरुष योग हो गया और लग्नपति लग्न में बैठे तो वो बलि ही हुए शुभ ग्रह की दृष्टि भर पड़ जाने मात्र से ये चामर योग बना और आप अपने जीवन काल में ऐसा जातक शनिदेव के लिए मैंने सूत्र बताया वैसे भी शनिदेव धीरे धीरे ही उन्नति कराते हैं जीवन काल में आप और किसी ग्रह को ले लीजिए वैसे तो पाप ग्रह के रूप में एक शनिदेव ही दिखाई पड़े अगर बाकी के ग्रहों के साथ आप इस सूत्र को घटाना चाहते हैं आप हर घर ग्रह के साथ इस सूत्र को घटाइए सूर्य हो यानी सिंह लग्न की कुंडली बनी बन रही है तो सूर्य या तो लग्न में हो या कहीं भी हो लग्न में या तो शुभ ग्रह बैठा हो या लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और लग्नपति बलवान अवस्था में हो तो शनिदेव के माध्यम से मैंने लग्न में बैठ करके सूत्र समझाया अब जरा सूर्य के माध्यम से इस सूत्र को आप और अच्छे से समझिए अब सूत्र कहता है कि लग्न में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो दोनों में से कोई एक तथ्य होना चाहिए शुभ ग्रह भी हो सकते हैं शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो कोई एक हो और लग्नपति अवस्था में हो अब बलि अवस्था शब्द का अर्थ हुआ कि यहां पर वो ज्योतिष शास्त्र कहना चाहता है कि या तो वो स्वराशि के हो उच्च राशि के हो मूल त्रिकोणी हो तो सिंह और कर्क ये दोनों लग्न ऐसे होंगे जहां पर लग्नपति की दूसरी राशि नहीं होती एक ही होती है अगर होंगे तो वो लग्न में ही होंगे या फिर उच्च राशि में अपने हो सकते हैं इस सूत्र को मैंने कई कुंडलियों पर घटाया मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत को जरा समझिए अगर लग्नपति अवस्था में उच्च राशि में मूल त्रिकोण राशि में और तीस छठवें आठवें बारहवें को छोड़कर किसी भी भाव में बलवान अवस्था में बैठे हैं तो ये चामर योग है जातक धीरे धीरे उन्नति करके राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर लग्नपति बली अवस्था में स्वगृही न हो उच्च राशि में न हो लेकिन मित्र राशि में तात्कालिक मित्रता बनाते हुए अतिमित्र होकर के और अंश बल में बलवान हो तो क्या यह सूत्र घटित होगा या लग्नेश वर्गोत्तमी स्थिति में हो तो क्या यह सूत्र घटित होगा तो आपको समझने की आवश्यकता है कि जी हां बिल्कुल उस अवस्था में भी जातक धीरे धीरे उन्नति करके शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णिमा का चंद्रमा वो अवश्य बनेगा हां इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि लग्नपति स्वगृही हो उच्च का हो या मूल त्रिकोणी हो तो वो अपने आप में अत्यंत बलि हो गया उस अवस्था में तो जातक को सब कुछ मिलना ही है लेकिन अगर वो अतिमित्र राशि में बैठा हो मित्र राशि में बैठा हो अंश बल से बलि हो अतृक भाव में न हो अस्त अवस्था में न हो मृत अवस्था में न हो नीच का सवाल ही नहीं उठता है तो सीधी सी बात है कि जातक अपने जीवन काल में चुकी लग्न अर्थात व्यक्तित्व तो धीरे धीरे सब कुछ पाना ही पाना है उसको आगे चलकर के मैं आपको बारहों भावों से संबंधित एक एक योग बनते हैं इसी स्थिति में वो भी मैं आपको बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में चलते हैं राशि फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है सप्ताह का आज पहला दिन है और गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में है प्रातःकाल ही ये राशि परिवर्तन करेंगे और पूरे दिन आज ये आपकी राशि से दसम में संचरण करने वाले हैं सूर्य के नक्षत्र में संचरण करने के कारण ऊर्जा का लेवल जबरदस्त रहने वाला है करियर से संबंधित कोई विचार आपके मन में पूरे दिन चलता रहेगा करियर को लेकर के आज आप जितना ज्यादा प्रयत्न करेंगे प्रयास करेंगे करियर में उतनी ही सफलता मिलेगी करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है जो आपके साथ के लोग हैं पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे और व्यापारियों के लिए भी भी दिन आज का बहुत बढ़िया है है निवेश सोच समझ करके अगर आप करते हैं तो बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है ये बात मैं नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों को कह रहा हूं नौकरी पेशा लोगों को विशेषकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए निवेश करना चाहते हैं निवेश करिए निवेश से आपको लाभ मिलेगा विशेष करके थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए तो आर्थिक फायदा ज्यादा होगा मन की बात आज हर किसी से नहीं करनी है इस बात का आपको ख्याल रखिए और जीवन साथी से थोड़ी अनबन होने वाली है आपको सावधान रहना है वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है जबरदस्त है दिन मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार चीजों का उपयोग आपको नहीं करना है भोजन का ख्याल रखिए और आज रात्रि सुप्त का पाठ एक बार अवश्य कर लीजिएगा लकी अंक आपके लिए छह लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश करते हैं तो अवश्य करिए बात वृषभ की कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल राशि परिवर्तन करके पूरे दिन आपकी राशि से नवम में संचरण करेंगे सूर्य के नक्षत्र में कर चंद्रमा सफलता तो देंगे आपको लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा प्रयास लगातार करते रहनी है कार्यस्थल पर इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे आपके कार्य की तारीफ होने वाली है और आपके पद मान सम्मान में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है कहीं कोई संशय नहीं तो वहीं नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो बढ़िया ऑफर जल्द ही मिलेगा दोनों के लिए बता दू कार्यक्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र यानी नौकरी पेशा या व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया और कोई बड़ा परिवर्तन करने की आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं आपके लिए बढ़िया है दिन हां कोई भी बड़ा कार्य कोई भी बड़ा निर्णय सलाह लिए बिना मत करिए किसी से राय जरूर ले लीजिए प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है प्रेमी से मुलाकात बातचीत होगी प्रेमी के ऊपर खर्च होगा और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी बहुत बढ़िया दिन विद्यार्थियों के लिए नहीं है ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो जरा सावधान रहेगा रक्त विकार से संबंधित आपको कोई और परेशानी है रक्तजन्य पीड़ा आपको रहती है तो परेशानी रहेगी नमः शिवाय इस मंत्र का आज एक सौ आठ बार संभव हो तो जब करिए लकी अंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज काला है निवेश आप ना करें मिथुन की बात कर लेते हैं मिथुन राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं लेकिन पूरे दिन प्रातः काल से ही पूरे दिन आपकी राशि से अष्टम में संचरण करेंगे सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें यह चंद्रमा आपको चिंतित कराएंगे मानसिक अशांति देंगे सकारात्मकता में आप कमी महसूस करेंगे हर कार्य में बाधा उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं परिस्थितियों को आप अपने विपक्ष में पाएंगे कार्यस्थल पर अगर कोई नया ऑफर आपको मिल रहा है तो अभी सतर्क रहिए सावधान रहिए जो भी ऑफर है उसमें जोखिम है तो सोच समझ कर स्वीकार करिए और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन मिला जुला है जोखिम भरा कोई निवेश न करिए शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको मैं मना कर देता हूं तो वहीं आज जीवन साथी की सेहत या जीवन साथी के कारण आपको पूरे दिन परेशानी या चिंता होती रहेगी ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को स्थगित करिए ऋण लेना ठीक नहीं है जीवन साथी की सेहत का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी सफलता के लिए और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में परेशानी है पुराने लोग आज आपको परेशान कर सकते हैं स्वास्थ्य में दिक्कत है महामृत्युंजय मंत्र का आज किस बार जब करिएगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और जैसा मैंने कहा निवेश आप ना करें कर्क की बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आज क्या लेकर के आ रहा है दिन गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आप भाग्यशाली हैं सकारात्मक है दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया जो भी फैसला आप अपने लिए लेते हैं वो फैसला आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद सिद्ध होने वाला है और भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना बना रहे हैं तो बेहद श्रेष्ठ है दिन कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं बहुत बढ़िया है दिन नौकरी पेशा लोगों को बता दूं कार्यस्थल पर बहुत बढ़िया रहने वाला है अधिकारी आपके विचार से प्रभावित होंगे आपके विचार को गंभीरता से लेंगे और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं व्यापार इत्यादि शुरू करने से संबंधित या कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण हो जाए इसके लिए आप प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है आपको लाभ मिलेगा व्यवसायियों के लिए बता दूं व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो ले लीजिए दिन आपका हर प्रकार से अच्छा है आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए चाहे वो आपका जीवन साथी हो या प्रेमी या कार्यस्थल पर ही कोई क्यों न हो अभद्र भाषा के प्रयोग से बचिए और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है सफलता के दृष्टिकोण से लापरवाही से बचिए वैसे हर तरह के अध्ययन के लिए आज का दिन बढ़िया है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है मामूली गिरावट मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है आज वस्त्र का दान आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है सो सफेद वस्त्र का दान करिए विशेषकर शिव मंदिर में लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश आप करें सिंह की बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके ष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको सफलता दिलाने वाले हैं गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए अच्छी है पूर्व से चला रहा है कोई विवाद कोई परेशानी कोई समस्या उसका अंत होने वाला है सफलता आपको मिलने वाली है और जो भी मौका मिल रहा है उस मौके का फायदा उठाइए कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से बचना है वाणी पर संयम रखना है हालांकि जीत हर मामले में आपकी ही है परंतु समझदारी से काम लेना ही उचित होगा व्यापारियों के लिए बता दूं दिन सामान्यत बढ़िया है निर्णय जो भी ले रहे हैं सोच समझ कर के आर्थिक लाभ होने वाला है निवेश के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है और विदेश से जुड़ करके आप काम कर रहे हैं तो कोई बड़ा लाभ होने वाला है जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है घर का माहौल बढ़िया होगा तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन यादगार कह सकते हैं और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान थोड़ी दिखाई पड़ रही है वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा और आज प्रातः काल ही लाल चंदन अपने माथे पर लगा लीजिए भले कार्यस्थल पर जाने से पहले आप उसको पहुंच लें लेकिन लगभग जब तक आप कार्यस्थल पर नहीं जाते तब तक लाल चंदन अपने माथे पर लगा करके रखिए लकी अंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज पीला है और बात कन्या की कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं चतुर्थ भाव में रहेंगे प्रातःकाल पूरे दिन राशि से पंचम में ये रहने वाले हैं सूर्य के नक्षत्र में संचारण करे चंद्रमा आपको पूरे दिन व्यस्तता देंगे हालांकि हर कार्य थोड़ी सी बाधा अड़चन के साथ ही पूरी हो, पूरी होने वाली है लेकिन सभी कार्य पूर्ण होंगे और हर कार्य से आपको लाभ मिलेगा जो भी योजना आप बनाएंगे उस योजना में आपको सफलता मिलने वाली है कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है विशेषकर जो साथ के लोग हैं उनका आपको सहयोग और सम्मान मिलेगा परंतु यहां एक बात ध्यान रखिए कि सात के लोग अधिकारी सबसे आपको सहयोग मिलेगा लेकिन हर कार्य में कोई ना कोई बाधा अड़चन विशेष प्रयत्न के बाद ही कार्य सफल होने वाला है तो आपको हर कार्य करने से पहले एक बार जरा सतर्क होकर के सावधान होकर के विचार करना होगा और तभी कार्य करना होगा व्यापारियों के लिए बता दू तो, फायदेमंद रहने वाला है दिन कारोबार में लाभ रहेगा लेकिन निवेश नहीं करना अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं और भावनाओं में बहकर के कोई वादा मत करिएगा जल्दी कमाने के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम शॉर्टकट तरीका मत चुनिए इससे आपको नुकसान होगा प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया है प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है तो वही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं आप और इसमें आप पूरी तरह से सफल रहेंगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और थकान आपको महसूस होने वाला है स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी और अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो विशेष सावधान रहिएगा सावधानी रखिएगा और हार्ट से संबंधित आपको परेशानी है हृदय रोग से ग्रसित है तो सावधानी और ज्यादा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आज इक्यावन बार प्रातः काल ही जब करिए लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज पीला है बात कर लेते हैं तुला राशि की तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और प्रातः काली आपकी राशि से तृतीय में होंगे पूरे दिन आपकी राशि से चतुर्थ में होने वाले हैं सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर यह चंद्रमा थोड़ी चिंता आपको देने वाले हैं अपनों का साथ न मिल पाने के कारण आत्मविश्वास में कमी होगी भाग्य का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था उसमें कमी होने वाली है नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बताना चाहता हूं आज चिंता रहेगी कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो न मिल पाने के कारण और आपके किए कार्य का कार्य की क्रेडिट यस किसी और को दे देना देने के कारण आज आप नकारात्मक विचार से भरेंगे आत्महीनता आपके अंदर भरने वाली है परंतु सावधान करना चाहता हूं यह वक्त निकल जाएगा सो सावधान रहिए और व्यापारियों के लिए भी बता दू बहुत अच्छा नहीं है दिन शेयर मार्केट में निवेश मत करिएगा अन्यथा नुकसान हो जाएगा अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो आज न करें अन्यथा नुकसान होगा और परिवार के सदस्यों विशेषकर माता पिता की राय लीजिए उनसे विवाद मत कीजिए प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन आज यादगार रहने वाला है यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो आज बहुत बढ़िया नहीं है दिन मन पढ़ाई से भटकेगा पढ़ाई में नहीं लगेगा विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के, के लिए मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के लिए दिन बढ़िया है पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी आज प्रातःकाल ही मिश्री का दान करिए मंदिर में जाकर के फायदा मिलेगा लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और बात तो वृश्चिक राशि की कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में है काल राशि परिवर्तन कर लेंगे और पूरे दिन आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा आपको गजब का आत्मविश्वास देने वाले हैं कुछ बड़ा करने का कुछ नया करने का आज आपको मौका मिलेगा जरूरत पड़ने पर भाइयों से मित्रों से आपको सहयोग भी मिलता रहेगा तो वहीं कोई खुशखबरी आज आपको मिलने वाली है नौकरी में प्रमोशन से संबंधित नौकरी में कुछ और आप चाहते थे जैसा आप चाहते थे वैसी खुशखबरी धन लाभ के आसार हैं तो वहीं कोई उपहार भी आपको मिलने वाला है मिला जुला करके वक्त आपके पक्ष में है हर तरह से दिन बढ़िया है इस समय का लाभ उठाइए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कोई बड़ी लेन देन की बात है तो आप पूरा कर सकते हैं लेनदेन से संबंधित मामले सुबह सुबह निपटाने के लिए बहुत ही बढ़िया है बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा जीवन साथी को आपके तरक्की मिलने वाली है दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन आज प्रसन्नता बनी रहेगी सकारात्मक विचारधारा के साथ आप पढ़ाई करेंगे विशेष करके सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है दिन सेहत के मामले में पेट दर्द की शिकायत रहने वाली है सुभोजन के मामले में सावधानी रखिए और आज गन्ने का रस भोलेनाथ पर अर्पित करिए इससे विशेष लाभ आपको मिलेगा लकी अंक आपके लिए तीन लकी कलर आपके लिए आज सफेद निवेश आप करें धनु की बात कर लेते हैं धनुराश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करना यह प्रारंभ करेंगे सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर चंद्रमा आपको भाग्य प्रदान करने वाले हैं आज अपनी बात से ऐसा कौन है जिसे आप सहमत न कर ले दोस्त हो या परिजन सबका आपको सहयोग मिलेगा नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन बढ़िया है दिन यूं समझ लीजिए कि नई चुनौतियां आपके सम्मुख आएंगी और आप हर चुनौती का बेहद मजे ढंग से सामना करेंगे ऐसे जैसे आप मजे हुए खिलाड़ी हैं और हर समस्या का निपटारा कर लेंगे स्तुति पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाली है व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है दिमाग में जो भी आइडियाज आए, आज आएंगे जो भी योजना बनेगी उस पर आप काम करिए उसका बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है किसी का अपमान मत करिए आज हर मामले में आपको आपके प्रेमी का सहयोग मिलेगा प्रेम संबंध में मधुरता आएगी लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन समय बहुत अच्छा है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है गले में दर्द की शिकायत या कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है आंखों में अगर आपको परेशानी रहती है तो विशेष रूप से सावधान रहिएगा और घी का दिया दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के जलाइए लकी अंक आपके लिए आज छह लकी कलर आपके लिए आज कथई है निवेश आप करें मकर की बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा काली चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज चिंता बनी रहेगी स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्या हड्डियों में जोड़ों में दर्द कोई पुराना रोग कफ जन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर आज बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा और नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो यहां पर आपको सफलता मिलेगी व्यापारी है और कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है तो बढ़िया है दिन आप प्रयत्न करिए परंतु तो किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिए नुकसान हो जाएगा कर्ज भी लेना पड़ सकता है शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज आप बिल्कुल मत करिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो कीजिएगा ही मत प्रेमी के साथ मतभेद ना हो इस बात का ख्याल रखिए जीवन साथी के साथ मतभेद न हो इस बात का ख्याल रखिए और अपनी सोच सकारात्मक रखिए सबके प्रति अपनी सोच सकारात्मक रखिए यह बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन लेकिन सफलता प्रदायक और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्फूर्ति और ताजगी बनी तो रहेगी लेकिन जैसा मैंने कहा कोई ना कोई कोई ना कोई परेशानी आज स्वास्थ्य में आती ही रहेगी अब सवाल उठता है कि स्फूर्ति और ताजगी और स्वास्थ्य में परेशानी दोनों कैसे क्योंकि शश महापुरुषों का आपको लाभ मिल रहा है तो परेशानियां छोटी छोटी आती रहेंगी और चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण करें तो स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी लाएंगे आप ऐसा करिए प्रातः कालीन गायत्री मंत्र का एक किस बार जब कर लीजिएगा आपको हर तरह से राहत मिल जाएगा लखियन का आपके लिए आज तीन लकी कलर मैरून है निवेश आपको नहीं करना कुंभ की बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है लेकिन पूरे दिन आज आपकी राशि से प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करेंगे चंद्रमा और पूरे दिन आपकी राशि से व्यय में रहेंगे सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा धैर्य में अपने कमी महसूस करेंगे मन में अशांति अस्थिरता और एक अज्ञात भय बना रहेगा उलझने लगातार आपका पीछा करेंगी और कार्यस्थल पर भी आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा बल्कि मैं तो यह कहूं कि, कि किसी भी तरह के हालात से समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार रहिएगा समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए किसी भी तरह का जिद्द करना बेवजह उलझना आपको मुश्किल में डाल देगा धन से जुड़े मामले में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है परेशानी दिखाई पड़ रही है व्यापारी है तो व्यापार में परेशानी रहेगी जोखिम उठाने से बचिए शेयर मार्केट में आज आपको निवेश नहीं करना है किसी को पैसा उधार देना है बिल्कुल मत दीजिए पुराना पैसा वापस आने के लिए अगर आज, आज आप तैयार थे कि आने वाला था आपको सबसे करेगा। सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है मानसिक अशांति आज बनी रहने वाली है भोलेनाथ पर बिल्लोपत्र अर्पित करिए इससे फायदा मिलेगा लकी अंक आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज पिंक जैसा मैंने कहा निवेश आपको नहीं करना मीन की बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दसम में है प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से लाभ में आ जाएंगे सो लाभप्रद रहने वाला है दिन बहुत बढ़िया है दिन विशेष करके किसी के पास अगर पैसा फंसा हुआ था लंबे समय से तो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए सामने वाले से वसूल करने के लिए आज से बढ़िया दिन आपको नहीं मिलेगा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा दबाव बनेगा आप जहां भी जाएंगे जिस पर भी आप दबाव बनाना चाहेंगे उस पर दबाव बनेगा कार्यस्थल पर आपके लिए सब कुछ आज आसान रहने वाला है किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट लेंगे यानी यूं समझ लीजिए कि आज सफलता का दिन है गर्व करने का दिन है व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं बढ़िया फल देने वाला है दिन आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी मनोबल आपका बढ़ेगा किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा अजनबी पर विश्वास करके कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा और संपत्ति से संबंधित कोई काम कर रहे हैं खरीद बिक्री इत्यादि करना है तो यहाँ पर सावधानी रखिए और सावधान होकर के अगर खरीदते हैं तो बड़ा लाभ होगा अन्यथा किसी के बहकावे में आकर के नुकसान हो जाएंगे सो जल्दबाजी में निर्णय मत करिएगा प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो जबरदस्त मेहनत भरा दिन लेकिन जबरदस्त फायदा देने वाला दिन यादगार रहने वाला दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है काम की अधिकता के कारण थोड़ी सी मानसिक अशांति होगी लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए सब कुछ बढ़िया लकी अंक आपके लिए आज नौ लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश आप करें तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार